हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है पूजा और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपके साथ ज्वेलरी सेट शेयर करने वाली हूँ। सभी मैंने मीशो से परचेज करे हैं, तो इनका लिंक और कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इनमें से कुछ पसंद आता है तो वहां से आप इनको परचेज कर सकते हो। इसके अलावा चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक बार जरूर चेक करना, पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और हाँ, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें ना, तो साइड में जो बेल आइकन होता है उसको भी हिट कर दें, ऑल पे हिट कर दे, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि जब तक आप उसको ऑल पे हिट नहीं करोगे तो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूजर नेम मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे जो मैंने साड़ी पहनी हुई है ना, ये मैंने अमेजोन से परचेज करी थी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पसंद आती है तो वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो। और इस पे मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है, रिव्यू वीडियो, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अगर आप इसका फुल रिव्यू देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो चेक कर सकते हो। और हाँ, मैंने अपना शॉर्ट चैनल भी स्टार्ट करा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज उसको भी जाके जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला नेक पीस शेयर करने वाली हूँ। जिनको बहुत ज्यादा हेवी नेक पीस पसंद नहीं है तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। लाइट से होते हैं ना, आप साड़ी पे पहनना चाहो, बहुत ज्यादा हेवी नेकलेस नहीं पहनना चाहो, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसकी जो प्राइस होगी ना, वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। इसमें ये पूरे डायमंड लगे हुए, ऊपर से इसकी जो चेन है ना, उसकी डिजाइन इस तरह की मिलेगी। और इसकी जो लेंथ है वो आपको ट्राई ऑन में समझ में आ जाएगी। बहुत लाइट वेट है, प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी, तो आप आराम से इसको परचेज कर सकते हो। साड़ी वगैरह पे, सूट वगैरह पे, सभी पे अच्छे लगते हैं। और टॉप्स आपको बहुत ही छोटे छोटे से टॉप्स इसमें मिलेंगे, तो मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग ये जो ज्वेलरी है ना, ये बहुत प्यारी है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा हेवी ज्वेलरी पसंद नहीं है तो आप ये वाली ज्वेलरी परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपके साथ ये वाला नेकपीस शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत अच्छा है। तो अगर थोड़ा सा आपको हेवी नेकलेस चाहिए, शादी वगैरह या फेस्टिवल वगैरह के लिए नेक पीस चाहिए, तो आप ये वाला परचेज कर सकते हो। ये मुझे ना प्लास्टिक का जो पाउच होता है ना, उसमें रिसीव हुआ था। अच्छी पैकेजिंग थी इसकी, और ये बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा और बहुत हेवी से लुक का है। मतलब वैसे प्राइस वाइज बहुत सही है, बट इसकी जो लुकिंग है, क्वालिटी है ना, वो आपको बहुत अच्छी मिलेगी। अच्छी सी स्टोन की जो क्वालिटी है, इसमें जो बीड्स लगे हुए हैं उनकी जो क्वालिटी है, सभी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो ये बहुत अच्छा नेकलेस लगा। और इसमें ये जो मोती लगे हुए हैं ना, उनकी क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी। जो इयररिंग्स है ना, उनकी साइज भी आपको अच्छी मिलेगी। तो आप चाहो तो सिर्फ इनको भी पहनना चाहो तो इनको भी पहन सकते हो। तो ये नेकलेस मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको वेडिंग में या फिर जो फेस्टिवल्स होते हैं सभी पे स्टाइल कर सकते हो। हैवी लुक में भी चल जाएगा, और अगर आप प्लेन साड़ी पहन रहे हो तो उस पर भी अगर आप थोड़ा सा लुक चाहते हो फेस्टिवल और वेडिंग के अकॉर्डिंग, तो वैसे भी आप इसको स्टाइल कर सकते हो। क्वालिटी वाइज ये A1 है, क्वालिटी में कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा है और लुकिंग वाइज भी ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला नेकलेस, और ये भी बहुत प्यारा नेकलेस है, सीरियसली। इसकी जो प्राइस होगी ना, वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। और ये नेकलेस इस तरह का है, इसमें ये ब्रॉच लगी हुई है, क्रिस्टल वाले आपको ये बीड्स मिल जाएंगे। और इसकी जो लुकिंग है, वाओ, ये बहुत प्यारा नेकलेस है। इसमें ये ब्रॉच लगी हुई है, और इसमें जो डायमंड लगे हुए हैं ना, वो भी पूरे लॉक होके लगे हुए हैं। तो क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, साइज आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। लाइट वेट सा है, ऐसे बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं ना, उस तरह की ज्वेलरी नहीं है। तो आप आराम से इसको फेस्टिवल्स में, वेडिंग वगैरह में स्टाइल कर सकते हो। और इसके साथ आपको ये टॉप्स मिलेंगे, टॉप्स की जो साइज है वो भी बहुत अच्छी है। और इस तरह के चोकर सेट जो होते हैं ना, उनपे टॉप्स ही अच्छे लगते हैं। ये वाला नेकलेस इस तरह का, इसको आप साड़ी पे, वेस्टर्न पे, या फिर सूट पे, गाउन पे, हर तरह के आउटफिट पे पहन सकते हो। अगर वेडिंग वगैरह के लिए आप कोई कम प्राइस में और बट बहुत अच्छा नेकलेस ढूंढ रहे हो, तो आप बेशक इसको परचेज कर सकते हो। और इसमें आपको कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे, तो अगर आप अपने अकॉर्डिंग कोई कलर लेना चाहते हो तो वो कलर ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, और लुकिंग वाइज भी ये नेकलेस जो है ना, वो बहुत अच्छा है।
तो बिग थम्स अप है प्राइस के अकॉर्डिंग, इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी। नेक्स्ट मैं आपके साथ ये वाला नेकलेस शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैं बिग साइज के नेकलेस जो बड़े होते हैं ना लंबे वाले वो क्यों नहीं शेयर करती, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसकी जो प्राइस होगी वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। और ये बहुत अच्छा नेकलेस है, एक तो इसका जो ब्रॉच है ना उसकी जो लुकिंग है ना वो बहुत अच्छी है, ऊपर इसमें इस तरह से बीड्स का पैटर्न दिया गया है, पास से आप देख सकते हो कि कितना प्यारा लग रहा है। और इसकी जो साइज है ना वो आपको ट्राई ऑन में समझ में आ जाएगा इसकी लेंथ वगैरह कैसी है। पास से मैं इसकी जो ब्रॉच है ना उसका लुक आपको दिखा देती हूँ पास से। इसमें पूरे ये डायमंड जो होते हैं ना वो लगे हुए हैं, जरकन पूरे इसमें इस तरह से डायमंड लगे हुए हैं, मे भी आपको पास से दिख रहे होंगे, नीचे ये मोती लगे हुए हैं। और इसकी जो लेंथ है इसका जो लुक है ना बहुत अच्छा है। और इसके साथ आपको ये वाले इयररिंग्स मिलेंगे, इयररिंग्स की जो साइज है वो भी बहुत अच्छी है, तो अगर आप इनको भी पहनना चाहो ना तो सिर्फ आप इनको भी पहन सकते हो। और ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, तो ये वाला नेकलेस भी बहुत अच्छा, आप इसको साड़ी पे पहन सकते हो, लहंगे पे पहन सकते हो, बनारसी लुक की जो साड़ियां होती है उन पे भी बहुत अच्छा लगता है, और जब नॉर्मली आप साड़ियां पहनते हो तो उन पे भी बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत लाइट वेट ज्वेलरी, ऐसे नहीं है कि आप इसको पहन के इरिटेट हो जाओगे। जो बीड्स इसमें दिए गए हैं वो बारीक वाले दिए गए हैं तो उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और ऐसे नहीं है कि थोड़ी सी मालाएं हैं, थोड़े से मोतियों की इसमें लेयर्स बनाई गई हैं, बहुत सारी लेयर मिलेंगे, ऑलमोस्ट आपको 10 लेयर एक साइड मिल जाएंगी। तो बहुत भरा भरा होता है ना मोती, बहुत भरे भरे होते हैं, उस तरह से इसमें दिया गया है। तो इसका जो लुक है, इसकी जो क्वालिटी है, सभी A1 है, तो आप बिना डाउट के इसको परचेज कर सकते हो। और इस तरह के में भी आपको कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, तो अगर आप डिफरेंट कलर लेना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी आपको इन वाले नेकलेस में मिल जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपके साथ ये वाला नेकलेस शेयर कर रही हूँ, और जिनको बहुत ज्यादा हेवी नेकलेस पसंद नहीं है तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। मोती के जो नेकलेस होते हैं ना, मोती की जो मालाओं के साथ होते हैं ब्रॉच वाले, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत रॉयल सा लुक आता है। इस तरह की इसमें ब्रॉच दी गई है, 2 लेयर का आपको ये नेकलेस मिलेगा। और इसकी जो क्वालिटी है, इसका जो लुक है बहुत अच्छा है, पास से आप इसको देख सकते हो। तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा है। इसकी जो इसमें बीड्स दिए गए हैं ना उनको आप पास से देखोगे तो बहुत ही रॉयल सा लुक होता है ना, उस तरह का लुक आपको इसमें मिलेगा। और ये ना साड़ी होती है ना, कॉटन की साड़ियां होती है, जो हल्की साड़ियां होती है, सिफोन की साड़ियां जिनपे बहुत लाइट वर्क होता है, उस तरह की साड़ियों पे ना इस तरह की ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ जो इयररिंग्स मिलेंगे ना उनकी साइज भी आपको अच्छी मिलेगी, तो इयररिंग्स की साइज भी बहुत अच्छी है, तो सिर्फ आप इनको भी स्टाइल कर सकते हो। तो ये ज्वेलरी भी आपको अगर इस तरह की लाइट वेट में ज्वेलरी पसंद है तो आप ये वाली भी परचेज कर सकते हो, बहुत प्यारी ज्वेलरी है। और जो बहुत हेवी साड़ियां नहीं होती है ना उन पे इस तरह की ज्वेलरी बहुत प्यारी लगती है। नेक्स्ट मैं आपके साथ ये वाला नेकलेस शेयर करने वाली हूँ, इसकी जो प्राइस होगी वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। और ये नेकलेस बहुत अच्छा है, मुझे तो इस तरह के नेकलेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। ये ब्रॉच वाला नेकलेस है, कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, ब्रॉच की जो क्वालिटी है वो आप पास से देख सकते हो, बहुत लाइट वेट है, लुकिंग वाइज बहुत अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इसमें आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे, बट मेरे पास येलो नहीं था तो मैंने येलो परचेज करा, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग भी आप इसमें कलर ऑप्शन ले सकते हो। इसमें जो बीड्स लगे हुए हैं ना उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो ब्रॉच है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलेगी, और इसके साथ जो इयररिंग्स है ना वो भी बहुत प्यारे हैं। इनको भी अगर आप सिर्फ पहनना चाहो ना तो इनको भी आप सिर्फ पहन सकते हो, क्वालिटी इनकी भी बहुत अच्छी और साइज भी आपको इनकी जो इयररिंग्स है ना उनकी बहुत अच्छी लगेगी। लाइट वेट ज्वेलरी है, इसको आप साड़ी पे पहन सकते हो, लहंगे पे पहन सकते हो, इसके साथ आप एक्स्ट्रा कोई ज्वेलरी एड करके हैवी लुक भी ले सकते हो। तो ओवरऑल ये जो ज्वेलरी है बहुत अच्छी है, और इसमें आपको कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे, तो अगर आप डिफरेंट कलर लेना चाहो तो वो ऑप्शन भी आपको इस ज्वेलरी में मिल। तो आज के हॉल में मैंने मीशो से कुछ ज्वेलरी सेट आपके साथ शेयर करे, आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा मुझे कमेंट पे जरूर बताना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर देना, मेरे शॉर्ट चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज उसको भी जाके सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, खुश रहें, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।